हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी उड़ने वाला काम बिता लीजिए। अच्छा, ठीक है। हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया, ठीक है ना। इसके बाद में बोहर में की जो मॉडल था, उस बोहर के मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां थी, ठीक है। बोहर के मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ ना कुछ दोष थे। उन दोष को समझने से पहले उस बोहर के एटॉमिक मॉडल के साथ में जो डिस्कवरी हो रही थी, उसके साथ में और भी थ्योरियां और भी डिस्कवरियां हो रही थी, थोड़ी सी उन डिस्कवरी की भी बात की जाए। जैसे कि मेरी जो पहली डिस्कवरी, बहरहाल वो आपको समझना है बेटा, ठीक है ना। वो आपके फिजिक्स में है, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको समझाना है, तो वो आपको केवल और केवल समझना है बेटा पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए, एक थ्योरी चल रही थी उन्हीं के बोहर के एटॉमिक मॉडल के साथ में, मैक्स प्लांक की जो एक थ्योरी चल रही थी, क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक की एक थ्योरी चल रही थी, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मीन्स होता है फिक्स, ठीक है ना। क्वांटम मीन्स होता है फिक्स, निश्चित। तो क्वांटम थ्योरी चल रही थी मैक्स प्लांक की। तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी में क्या बताया, क्या कहा? आपका ये टॉपिक है बेटा, ये आपको थोड़ा फिजिक्स का है। थोड़ा मैं कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको फिजिक्स के बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपने केमिस्ट्री पे वापस लौट के आऊंगा, ठीक है ना। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है, तो आप ये समझ लीजिए। लिखना होना लिखना, तो ये आपके फिजिक्स में खुद आपको समझ में आएगा। तो यहां पे देखिए, मैक्स प्लांक ने जो है क्वांटम जो थ्योरी दी, उन्होंने वो दी थी लाइट पर, लाइट पर, प्रकाश जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और लाइट में आप जानते हैं अल्फा, अल्ट्रावायलेट, जितनी भी इसमें तरंगे निकलती हैं, सब उनकी बात। तो मैक्स प्लांक ने कहा कहा कि भाई साहब, कि लाइट जो है वो एक वेव है, वेव है, तरंग, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तरंग, तरंग है, ठीक है ना। लाइट जो प्रकाश है, मैक्स प्लांक के समय के लोग या साइंटिस्ट प्रकाश को तरंग मानते थे, ठीक है ना। फिर ये जो तरंगे हैं, इसको आप रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। रेडिएशन जिसको आप बोलते हैं, जो तरंग है, उन्होंने कहा कि जो तरंगे होती हैं, जो रेडिएशन होती हैं, ये छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बनी है। ऐसा बताया मैक्स प्लांक ने, कहा कि जो ये रेडिएशन है, जो ये वेव है, जो तरंगे, जो प्रकाश है, वो छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बनी है, ठीक है। इन छोटे छोटे पैकेटों को क्वांटा या फोटॉन फोटॉन नाम दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो ये छोटे छोटे पैकेट हैं हमारे, जो प्रकाश से निकल रहे हैं, वो क्वांटा या फोटॉन है। क्वांटा मतलब होता है निश्चित, निश्चित। और जब ये यहां से निकलते हैं, तो ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बाहर निकलते हैं, और निश्चित निश्चित ऊर्जा के साथ निकलते हैं। इसीलिए निश्चित ऊर्जा के साथ निकलते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा क्वांटा या फोटॉन। ओके ना, पॉइंट क्लियर हुआ हमारा।
मैक्स प्लांक ने कहा कि भैया लाइट को आप लोग वेव बोलते हैं, आप इन तरंगों को, आप रेडिएशन जो है वो जो है हमारा छोटे छोटे जो तरंगे हैं वो छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बनी है जिनका नाम क्वांटा या फोटान है। तो ये जो फोटान होते हैं ये छोटे छोटे पैकेटों को बोलते हैं, इनकी जो है निश्चित ऊर्जा होती है, ये निश्चित ऊर्जा के साथ यहां से निकलते हैं। इतना जो है मैक्स प्लांक ने समझाया पहले, क्लियर है? ओके हो गया। तो जो इनकी एनर्जी है वो एच एफ, कुछ लोग जो है हम लोग इसी को एच न्यू भी लिखते हैं। एच एफ ई एनर्जी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एच न्यू, एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है हमारा आवृत्ति है बेटा, जैसे कि यहां पर फ्रीक्वेंसी है ना, आवृत्ति फिजिक्स में पढ़ते हो आवृत्ति, तो वही चीज बेटा है एच एफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि इस तरंग की जो है फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ई बराबर एच एफ, और ये जो ई बराबर एच एफ है हमारा ये एनर्जी है, ऊर्जा है बेटा हमारी, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी है ये एक फोटॉन की एनर्जी है, एक क्वांटा की एनर्जी है। मैंने अभी बोला कि जो तरंगे जो रेडिएशन है वो हमारा छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है, उन छोटे छोटे पैकेटों में से एक पैकेट की एनर्जी होती है ई बराबर एच एफ, यानी कि एक फोटॉन की एनर्जी, एक क्वांटा की जो एनर्जी है वो ई बराबर एच एफ या एच बराबर ई बराबर एच न्यू के बराबर होती है, एक क्वांटा या फोटॉन की। क्लियर है? तो ये वेव ना होकर ये एक तो पार्टिकल बन गया, पार्टिकल बन गया। तो ये जो प्रकाश है वो कहीं कहीं पर तरंग की तरह और कहीं कहीं पार्टिकल की तरह, कण की तरह काम कर रहा था। जो लाइट है, जो हमारी जो प्रकाश है वो कहीं कहीं पर क्या कर रहा था, एक तरंग की तरह काम कर रहा था और कहीं कहीं पर ये एक कण की तरह, पार्टिकल की तरह काम कर रहा था लाइट। इसलिए जो है मैक्स प्लांक ने इसके दो गुण बताए, यानी कि जो लाइट है उस लाइट के पार्टिकल और वेव, कण और तरंग, ये ड्यूअल नेचर बताया। ड्यूअल नेचर मतलब द्वैती प्रकृति बताई, द्वैती प्रकृति। उन्होंने कहा कि जो लाइट है बेटा हमारे उसमें जो है द्वैती प्रकृति होती है, द्वैती प्रकृति होती है। जो लाइट है वो दो गुणों को प्रकट करती है, एक तो पार्टिकल के कण को और दूसरा वेव को, तरंग को। ये दो गुण है लाइट के अंदर, इसलिए लाइट की जो है द्वैती प्रकृति है, लाइट जो है द्वैती प्रकृति दिखाती है, मैक्स प्लांक ने कहा। क्लियर है? और इसी पे उन्होंने एक पॉइंट दिया और उसको सिद्ध भी किया उन्होंने। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, इसको उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया। जो कोई तरंग होती है उसके लिए तीन चीजें बेटा हमेशा फिक्स रहती है, तीन चीजें हमेशा निश्चित रहती है, जैसे कि वेलोसिटी वेग, लैम्डा तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी एफ, ये फिक्स रहता है उनके लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि जो वी है वो लैम्डा और एफ के गुणनफल के बराबर है, तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी के गुणनफल के बराबर है। तो उन्होंने जो है हम यहां से एफ का मान निकाल सकते हैं वी अपान लैम्डा, वी अपान लैम्डा। अगर हम यहां पर जो तरंगे निकल रही है वो तरंगों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग या वेव मान के चले,
मैं मान चलता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वो बेटा जो है प्रकाश के वेग से चलती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो बेटा आपकी बहुत सी तरंगे होती है, यूवी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब तरंगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आती है, बहुत सी है। रिमोट से निकलने वाली जो तरंगे बेटा है वो इंफ्रारेड कही जाती है, रिमोट, अपना रिमोट देखा अगर मैं टीवी का या डिस्क का, वो सब आपके उनसे जो तरंगे निकलती है वो इंफ्रारेड तरंगे होती है, वेव होती है, तो उनकी जो स्पीड होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो अगर आप चाहें तो यहां पर वी की जगह पर सी रख सकते हैं, लेमडा, सी बटे लेमडा हो सकता है, क्लियर है ना, ओके है ना। चलिए, अभी आपने पढ़ा था ई बराबर एच एफ, तो एफ की मैं यहां पर वैल्यू रख दूं, ई बराबर एच एफ की वैल्यू है सी अपान लेमडा, ठीक है ना, ओके है ना। E बराबर एच एफ हमारे पास में था, था या नहीं था, तो E बराबर H और F की जो वैल्यू है वो है C बटे लेमडा, ये लीजिए आपको E बराबर एनर्जी बराबर सूत्र मिल गया, E बराबर H C बटे लेमडा मिल गया, ठीक है ना। और जो H है बेटा वो प्लांक कांस्टेंट है, वो आप जानते हैं 6.626 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये बेटा इसका मात्रक है जूल सेकेंड, ओके। तो ये मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी है, ये बेटा मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी है ये। इससे सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है हमारा वो तरंग और पार्टिकल दोनों की गुण प्रदर्शित करता है हमारा। अभी जो वैल्यू बेटा आई है आपकी, ये वैल्यू हर 10 साल में चेंज होती रहती है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई निश्चित नहीं है बेटा, ये हर 10 साल में चेंज हो जाती है। पहले तो 10 साल में चेंज हो रही थी, लेकिन अब जो है काफी जल्दी जल्दी चेंज होने लगी है, ये 5 साल में 2 साल में, यानी कि इस पर अभी भी डिस्कवरी चल रही है, खोज चल रही है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये चेंज क्यों होती रहती है। तो इस पर डिस्कवरी चल रही है बेटा, इस पर खोज चल रही है कि ये मैक्स प्लांक जो स्थिरांक है, जो नीतांक है, उसकी जो वैल्यू है 10 साल में, 5 साल में, या 2 साल में, 3 साल में चेंज क्यों हो जाती है, तो उस पर आज भी डिस्कवरी चल रही है, ओके ना। तो ये था मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी को बेहतर समझ गए हैं अगर आप, तो इसके बाद में जो आपको मैं समझाऊंगा जो हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा क्या समझाना है वो आप ध्यान सुनिए, इस थ्योरी से इंस्पायर होकर, इस थ्योरी से इंस्पायर होकर हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली, ठीक है ना। इस थ्योरी से इंस्पायर होकर डी ब्रोगली आए, कौन आया, डी ब्रोगली आए। तो डी ब्रोगली के बारे में जो है उन्होंने इस थ्योरी के आधार पर कुछ बातें बताई इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो बहुत बड़ी खोज थी, जो बहुत बड़ी बात थी। और डी ब्रोगली की ना वो कोई प्रिंसिपल है ना ही कोई लॉ है, वो है हाइपोथेसिस। अब मैं बताऊंगा आपको हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, क्या था, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है बताऊंगा मैं आपको। डी ब्रोगली आए, ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए, डी मतलब नोट नहीं करना आप, सुन लीजिए, डी ब्रोगली आए। अब डी ब्रोगली ने मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी से इंस्पायर होकर कहा कि भैया जी इलेक्ट्रॉन को, पूछा मैक्स प्लांक से कि भैया जी इलेक्ट्रॉन को हमारे समय के लोग पार्टिकल मानते हैं, मैंने लिखाया भी है इलेक्ट्रॉन कण, पार्टिकल यानी कि कण,
ठीक है ना, तो क्या ये वेव बन सकता है? जैसे कि मैक्स प्लांक ने कहा था कि जो लाइट है वो वेव की तरह काम करती है, और इसमें जो गुण है कुछ गुण पार्टिकल के भी है, यानी कि कण। मैक्स प्लांक ने लाइट जो कि एक तरंग थी उस समय, लाइट जो कि एक तरंग थी उस समय, उसको उन्होंने पार्टिकल सिद्ध कर दिया, यानी कि लाइट के अंदर दो गुण होते हैं, लाइट द्वितीय प्रकृति की होती है, ये सिद्ध कर दिया। तो वैसे ही डी ब्रोगली ने कहा कि आपके समय में जो लाइट थी उसको वेव माना जाता था, तो उसको आपने पार्टिकल सिद्ध कर दिया। तो क्या इलेक्ट्रॉन को जो हमारे समय के लोग पार्टिकल मान रहे हैं, तो क्या मैं उसको वेव मान सकता हूं? ये थी हाइपोथेसिस किसके? डी ब्रोगली की। और ये बात किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं सोची थी, जो इन्होंने कल्पना की, जो इन्होंने इमेजिन किया। बात समझ में आए? इन्होंने कितनी बड़ी बात उठाई यहां से, ठीक है। अब इस पे जो है एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुए, तो वो मैं आपको आगे कुछ और पॉइंट बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए जिसको इन्होंने किया, क्या बताया या क्या सिद्ध किया। इन्होंने कहा, ये मैक्स प्लांक वाले के लिए जो सिद्धांत था, जो क्वांटम थ्योरी थी, उसी के बेस पर इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है बहुत कम है, वो मैं आपको निकलवा चुका हूं पीछे। जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, वो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ⁱ kg। ओके ना। और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, जो गति है, जो वेग है, वो बहुत ज्यादा है। कितनी थी? 2.18 × 10⁶ m/s। प्रकाश के वेग के लगभग, प्रकाश के वेग के बराबर है। जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। क्या मैंने बोला? कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लगभग में प्रकाश के वेग के बराबर है। अब प्रकाश के वेग के बराबर मतलब जो तरंगे होती है उनकी उनका वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। तो जो प्रकाश के वेग के बराबर था वो तो तरंगे है, तो यहां पर इसका मास बहुत कम है लेकिन स्पीड तो प्रकाश के वेग के बराबर है, तो क्या मैं इसको वेव मान सकता हूं? ऐसा इन्होंने कहा। पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे? डी ब्रोगली ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन को हमारे समय के लोग कण कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी में कहा कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह काम करती थी, तो उसको जो उन्होंने पार्टिकल सिद्ध कर दिया। मैक्स प्लांक के समय लाइट को वेव माना जाता था, तो मैक्स प्लांक ने उसको कण सिद्ध किया। तो डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को हमारे समय के लोग कण मान रहे हैं, तो क्या मैं इसको वेव बता कह सकता हूं या मैं इसको वेव मान सकता हूं? और वेव मानने का रीजन भी है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा। इस बेस पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव हो सकता है। इन्होंने कहा डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। समझिए हाइपोथेसिस का मतलब, तो ना कोई ऐसी बात जो हम कहें, जैसे कि मैं आपसे कह दूं 2 + 2 = 5, मैंने आपसे कहा हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस है, मैंने आपसे कहा हाइपोथेसिस है, लेकिन अगर मैंने इसको सिद्ध कर दिया कि 2 + 2 = 5 होता है, तो ये आपका हाइपोथेसिस ना होकर ये लॉ या प्रिंसिपल बन जाएगा। अपनी बात में कहूं और उसको सिद्ध भी कर दो तो लॉ और सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल कहलाता है, नियम या सिद्धांत बनता है वो, बात कहके और सिद्ध कर दूं।
और अगर मैं बात कहूं और सिद्ध ना कर पाऊं तो वो केवल हाइपोथेसिस कहलाता है। क्या अंतर समझ में आया बेटा? कल्पना, विचारधारा, अपनी विचारधारा प्रस्तुत की, अपनी कल्पना प्रस्तुत की, बात समझ में आए? वो सिद्ध नहीं की उन्होंने, उन्होंने ऐसी बात कही, उन्होंने अपनी कल्पना, अपनी विचार को रखा वहां पे। अगर वो सिद्ध कर देते तो वो नियम या सिद्धांत बन जाता। तो मतलब समझ में आया डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस? क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो डी ब्रोगली ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है लेकिन स्पीड उसकी बहुत ज्यादा है, तो क्या हम इसको तरंग मान सकते हैं, वेव मान सकते हैं? तो इतना कहने के बाद में आगे इनके बारे में मैं एक आपको एक जानकारी दे दूं कि ये बोहर के शिष्य थे, चेले थे, उनके नीचे काम करते थे, ठीक है। और फिर जब इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी, इनके बाद में इनके चेले आए, डेविसन और जर्मन, दो साइंटिस्ट थे, दो इनके चेले थे, डेवियस, डेवियसस और जर्मन, मैं लिख देता हूं डेवियस, डेविसन, डेविसन और जर्मन, ठीक ना, जर्मन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन, ठीक है ना। डेविसन और जर्मन ने इनकी इस हाइपोथेसिस को सिद्ध करने के लिए क्या किया, डेविसन और जर्मन जो इनके चेले थे, उन्होंने डिफ्रेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया। डिफ्रेक्शन का एक्सपेरिमेंट जो बेटा होता है, जो प्रयोग होता है, वो केवल तरंगे देती हैं, केवल और केवल वेव देती हैं ये एक्सपेरिमेंट, ये जो परीक्षण है बेटा, ये केवल और केवल वेव देती है और इसके अलावा वो कोई नहीं देता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डेविसन और जर्मन ने डिफ्रेक्शन का जो एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रेक्शन का ये जो परीक्षण था वो एकदम सही बैठा उस पर, उसने ये परीक्षण दिया इलेक्ट्रॉन ने। तो इससे सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है। इनकी जो हाइपोथेसिस थी वो जाकर वो सभी मोशन, जितने भी गतिशील पदार्थ या कण थे हमारे, जितने भी गति करने वाले हैं, गाड़ी, बस, रेलगाड़ी, जितने भी हैं गति करने वाले, सब पर इनकी हाइपोथेसिस लगने लगी। वो आगे मैं बताऊंगा, ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला है। डी ब्रोगली ने जो अपनी हाइपोथेसिस दी उसमें कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमारे समय के लोग पार्टिकल कह रहे हैं, तो क्या इसको मैं वेव मान सकता हूं? और वेव मानने का रीजन भी है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है लेकिन उसकी वेग जो है वो प्रकाश के वेग में लगभग बराबर है, यानी कि उसका वेग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसको वेव मान सकता हूं क्या, ऐसी इनकी हाइपोथेसिस थी। और कुछ समय के बाद में जिनके दो चेले थे डेविसन और जर्मन ने, उन्होंने जो है डिफ्रेक्शन के इस परीक्षण से, इस प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव है, एक तरंग है, एक तरंग की तरह काम करता है। तो ये जो डिफ्रेक्शन का जो परीक्षण होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, वो केवल वेव देती है, इसके अलावा बेटा और कोई नहीं देता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और जब इलेक्ट्रॉन एक कण भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर द्वितीय प्रकृति हो गई, इलेक्ट्रॉन भी हमारा, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या करता है, वो भी पार्टिकल और वेव, डुअल नेचर दिखाता है, यानी कि द्वितीय प्रकृति रखता है, इलेक्ट्रॉन की भी द्वितीय प्रकृति है। ये अभी तक मैक्स प्लैंक ने लाइट के बारे में कहा था कि लाइट जो है वो द्वितीय प्रकृति रखती है, अब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी द्वितीय प्रकृति रखता है। बात क्लियर हो गई हमारी? क्लियर है? अब अभी इनकी हाइपोथेसिस की गणना करूंगा, बताऊंगा आपका, निगमन दिखाऊंगा उसका, सूत्र दिखाऊंगा क्या था उनका, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्लियर है? तो चलिए अब हमारा जो है पॉइंट लिखने पे हम लोग आ जाते हैं, जो मुझे समझाना मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हेडिंग पड़ेगी वो देख लीजिए। अब आप पेन कॉपी ले लीजिए और लिखिए इनकी बात को, जो जो बातें यहां से निकल के आई है उन बातों को हम लोग
अब कॉपी पे नोट करेंगे क्या क्या बातें निकल के आई, क्या क्या इसमें है। चलिए तो हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, इंग्लिश में बेटा बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया, अब हेड डाल लीजिए फटाफट, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। हो गया, चलिए देखिए हम लोग, चलिए देखिए कैथोड और किरणों के गुण गुण इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति को तथा तथा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन तथा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन विवर्तन यानी इलेक्ट्रॉनों का वेग, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को प्रकट करता है, प्रकट करता है अतः इससे इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग, इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन कण व तरंग या एवं तरंग की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है।
हो गया। कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति को तथा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को प्रकट करता है, अतः इससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग की बात व्यवहार करता है, इसे इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति कहते हैं, ठीक है। और जो बेटा प्रयोग है किसी एक प्रयोग से नहीं बेटा होंगे, दो प्रयोग में तभी बेटा स्पष्ट होगा कि हम एक प्रयोग करके सिद्ध करते हैं, बेटा कभी नहीं हो सकता। हो गया, आगे लिखिए। नहीं लाइन से सन 1924 में, सन 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने सुझाव दिया, इसके बारे में बता रहा बेटा, मैंने नीचे लिख रहा हूं इसके, ठीक है ना, मैंने ये समझा दिया आपको, लिख दिया, अब मैं इसके नीचे समझा रहा हूं। सुझाव दिया सुझाव दिया कि जिस प्रकार प्रकाश में कण व तरंग प्रकृति दोनों पाई जाती हैं, प्रकाश में कण व तरंग प्रकृति दोनों पाई जाती हैं, उसी प्रकार सभी सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु अणु आदि में सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु अणु आदि में भी दोहरी प्रकृति प्रकृति पाई जाती है, हो गया। अतः डी ब्रोगली के अनुसार, सभी द्रव्य कण डी ब्रोगली के अनुसार सभी द्रव्य कण गतिशील
रहते हुए, गतिशील रहते हुए तरंग के गुण भी प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद में जो है हमारा पॉइंट बचा हुआ है, जो डी ब्रॉगली है ना, इनकी समीकरण की स्थापना बची हुई है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।